हाय एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे वेक्टर स्केलर का एक न्यू टॉपिक, एडिशन ऑफ वेक्टर। यहाँ पर दो वेक्टर को जोड़ना, उसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है। तो उसके लिए दो तरह का रिजल्टेंट बनेगा, एक तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन बनेगा, एक तो दूसरा बनेगा पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर का एडिशन। ठीक है, तो इस दोनों मेथड से हम देखेंगे। यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। टू वैक्टर्स कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसमें देखेंगे कि दो वैक्टर जिसको हमें जोड़ना है। ट्रायंगल लॉ में क्या है कि अगर एक वैक्टर ये है ए सपोज, दूसरा वैक्टर ये है सपोज बी, तो इस टाइम पर वैक्टर का रिजल्टेंट नहीं बनेगा। अगर दोनों वैक्टर का टेन से टेन मिला हुआ तो उसका रिजल्टेंट नहीं बनेगा ट्रायंगल लॉ में, और दोनों का हेड से हेड मिल गया तो उसका भी ट्रायंगल लॉ ऑफ नहीं बनेगा, उसका भी रिजल्टेंट नहीं बनेगा। तो एक काम करते हैं हम कि पैरेलल शिफ्ट कर देते हैं, इसको हम यहाँ शिफ्ट कर दिया तो बन गया वेक्टर भी, ठीक है। इसको हटा दिया तो दो वेक्टर, सपोज वेक्टर ए जिसका हेड एंड वेक्टर बी जिसका टेल आपस में मैच कॉइंसाइड कर गया। अब इसका जो रिजल्टेंट होगा, जो इन दोनों को मिलाने वाला लाइन होगा, इन दोनों को मिलाने वाला वेक्टर, वो होता है ए प्लस बी। इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा ए प्लस बी, और उसका डायरेक्शन ये होगा। तो रिजल्टेंट के लिए ट्रायंगल लॉ, ये होगा ट्रायंगल, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। इसमें कैसे हो गया, तो एक्चुअल में देखेंगे आप कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल जब क्वालिफाइड करें तो इसका रिजल्टेंट जो होगा वेक्टर बी का हेड और वेक्टर ए का टेल, एक दूसरे को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वही होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। ऐसे कह सकते हो, सपोज ये वेक्टर बी है और वेक्टर ए है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो वो ऐसे होगा आपका, वो आपका ऐसे होगा ए प्लस बी, ठीक है। यहां हम लिखेंगे ये, इफ ए एंड बी टू वेक्टर, इफ ए एंड बी टू वेक्टर, इन विच हेड ऑफ ए कॉइंसाइड्स टेल ऑफ बी, टेल ऑफ बी, देन वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी गिव्स द रिजल्टेंट। वो रिजल्टेंट दे रहा है वैक्टर ए प्लस बी जो है, वो रिजल्टेंट दे रहा दोनों का। अब पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। सपोज वैक्टर ए हमारा ये हो गया, इसमें तो अपोजिट होगा, इसमें दो वेक्टर का टेल या तो दोनों का हेड मिलना चाहिए। सपोज वेक्टर ए का टेल एंड वेक्टर बी का टेल, वेक्टर बी का टेल यहाँ इस पॉइंट पे कॉइंसाइड कर गया, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा, ध्यान रखिए इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ऑब्वियसली इस दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इस पॉइंट से निकलने वाला लाइन होगा, वो होगा रिजल्टेंट ए प्लस बी। चूँकि पैरेललोग्राम है तो एक एडवेंस की जो इसका लेंथ होगा, लंबाई के बराबर चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, हम कह सकते हैं लंबाई लेंथ के बराबर, ब्रेथ के बराबर होगा, ठीक है। तो वेक्टर ए जो है वो आपका यहाँ आ जाएगा, वेक्टर बी यहाँ आ जाएगा। इस टाइप से हम बना सकते हैं पैरेललोग्राम। इसका जो डायगोनल बनेगा वो आपका रिजल्टेंट देगा ए और बी का। वेक्टर बी है, इसको मैं अच्छे से बनाऊंगा, ये बी है तो ये बी होगा, ये ए है तो ये ए बनेगा, ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये पैरेललोग्राम, इसका जो डायगोनल होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर देगा ए और बी का। बी अगर बी है तो ए है तो ये ए होगा, ठीक है। इसको मैं अच्छे से बना लेता हूँ, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, इसका दोनों का टेल मिला हुआ है, ठीक है। इसको मैं इसके एक पैरेलल बनाता हूँ, वेक्टर बी का वेक्टर ए का पैरेलल बनाता हूँ मैं, पैरेललोग्राम है ना,
लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। हाँ, तो इस पॉइंट पर सब ये ए, यहां बी, ये सी एंड डी, डायगोनल जो है वो इसका रिजल्ट एन देगा, तो डायगोनल हम बना देते हैं, ठीक है। डायगोनल हमने यहां बना दिया, इसका रिजल्ट एन देगा डायगोनल ए प्लस बी, वैक्टर ए प्लस वैक्टर बी, इसका रिजल्ट एन बन जाएगा। अब सवाल ये है कि इसका जो रिजल्टेंट होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। रिजल्टेंट इसको मान लेते हैं आर, यहाँ हमने दो वेक्टर को जोड़ा, रिजल्टेंट आर है जो ए प्लस बी के इक्वल है। एक्चुअल में उसका रिजल्टेंट की वैल्यू क्या होगा, वो एडिशन तो देगा, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ गई वो बता रहे। अगर ये बी है तो ऑब्वियसली ये बी होगा, ए है, अगर ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा, क्योंकि लेंथ लेंथ बराबर होता है, ब्रेथ ब्रेथ यूनिट इक्वल वेक्टर होगा दोनों। इसको मैं आगे की ओर थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि वेक्टर को हम आगे शिफ्ट कर सकते हैं, नहीं 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 कर सकते, ऑब्वियसली जितना लेंथ का वेक्टर उतना ही होगा, ठीक है। एक्चुअल में इसको जब आगे शिफ्ट करेंगे तो वो लेंथ अलग हो जाएगा, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये ई हो जाएगा, ये डी है, ये ई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हो सकता है ना कि अगर हम इसका रिजल्ट निकालेंगे तो ऑब्वियसली अगर ये एसी है तो यहाँ एक डायग्राम में, तो आप डायग्राम में देखोगे कोण ट्रायंगल ए सी ई, एक तरह का राइट एंगल ट्रायंगल बना, एंगल ई पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, तो ए सी ई एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ए सी हो गया हाइपोटेनस, ए ई हो गया बेस एंड सी ई हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो एक्चुअल में क्या है कि अगर हम इसको बी मानते हैं, अगर ये एंगल थीटा है, मान लो ये एंगल थीटा है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इट्स थीटा, तो ऑब्वियसली जो एंगल यहाँ है दो वेक्टर ए और बी का थीटा, तो ऑब्वियसली वही एंगल यहाँ भी होगा थीटा, क्योंकि ऑब्वियस दोनों ब्रेथ क्या है एक दूसरे के पर ये पैरेलल हो गया, ये एंगल दोनों सेम होगा, दोनों सेम एंगल होगा, थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो दो वेक्टर के बीच का एंगल मान लेते हैं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, ठीक है, ए और बी के बीच का एंगल होगा थीटा, तो अगर ये थीटा है टोटल ये भी थीटा हो जाएगा। चलिए अब देखो इस ट्रायंगल में अगर हम सब रफली डायग्राम बनाता हूं, हम बी सी ई की बात, सॉरी सी डी ई की बात कर रहे हैं, सी डी जो ये परपेंडिकुलर हो गया, एंगल थीटा हो गया, एंगल बी हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, तो ये जो होगा एंगल के साथ बनने वाला जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा ऑब्वियसली बी कॉस थीटा एंड दिस विल बी बी साइन थीटा, ठीक है। ऐसा होता है जो एंगल बी होता है, इसका हम लोग पढ़ेंगे आगे क्लास में, बी कॉस थीटा ये हो जाएगा आपका बी साइन थीटा, ये डिस्टेंस हो जाएगा। अगर ये वैक्टर बी है, वैक्टर जो सी डी की लंबाई है वह वैक्टर बी हो गया, तो सी डी जो हो जाएगा आपका क्या, बी कॉस थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा बी साइन थीटा। अब ट्रायंगल इज ए सी ई राइट एंगल ट्रायंगल, पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए सी हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू सी बेस का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड ए विल बी बेस का स्क्वायर।
अब देखिए आप, ये जो अगर है, अभी मैं बताया था कि जिसके साथ अगर ये एंगल बन रहा है तो वो होता है बी कॉस थीटा, ये होता है बी साइन थीटा। तो अगर ये बी साइन थीटा यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके पैरेलल में ये लाइन आएगा सी, ये भी हो जाएगा बी साइन थीटा। ध्यान देना आपको फिर से, देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वेक्टर बी हो गया, तो ये जो होगा ना ये एंगल के साथ वो बी कॉस थीटा, और ये जो होगा वो एंगल के साथ नहीं बल्कि एंगल से अलग वो बी साइन थीटा। तो इसका जो कंपोनेंट बी साइन थीटा है उसके पैरेलल में ये आ गया ना ये लाइन, तो ऑब्वियसली बी साइन थीटा होगा, बी साइन थीटा होगा। एंगल का कंपोनेंट बी कॉस थीटा, इसका कंपोनेंट होगा बी साइन थीटा, तो ये जो सी ई होगा वो आपका बी साइन थीटा होगा। ठीक है, चलिए यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर, मैं आगे बढ़ता हूँ, इस इक्वेशन को आगे बढ़ाता हूँ। देखो ए सी हमारा रिजल्टेंट है, हम इसको मान लिया आर, सी सी ये क्या निकाला गया अभी बी साइन थीटा का स्क्वायर, और ए जो होगा टोटल आपका वो ए डी प्लस बी ई होगा। ठीक है, क्या होगा ए डी प्लस बी ई, ए डी प्लस बी ई का स्क्वायर। एक काम करते हैं सारी वैल्यू को एक साथ रखते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, आर इक्वल्स आर इक्वल आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा सी, तो सी होगा आपका बी साइन थीटा का स्क्वायर। ए ए देखना आप क्या है, ए हो जाएगा आपका ए डी प्लस बी, ए डी है आपका टोटल ए, और बी क्या है बी कॉस थीटा का स्क्वायर। यह होगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू ए बी कॉस थीटा। यहाँ से निकालना है हमें आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी साइन बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर जो हो जाएगा आपका ए बी स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बी कॉमन बी स्क्वायर कॉमन लेने के बाद वन हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन, यहाँ है आपका ए स्क्वायर और यहाँ है टू ए बी कॉस थीटा। ये आ गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर, स्क्वायर हटाएंगे रूट आएगा, ए स्क्वायर आगे कर दो, बी स्क्वायर यहाँ कर दो, ऑब्वियसली टू ए बी कॉस थीटा दैट विल बी रिजल्टेंट ऑफ टू हेक्टर्स व्हेन वी एडेड ए एंड वी। यह जो रिजल्टेंट है आर वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट बना हुआ। ठीक है, ये इसका रिजल्टेंट ए स्क्वायर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ये थीटा जो है ना वो ए और बी दो वेक्टर के बीच का एंगल है। अब हमें एंगल की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, आ गया, अगर हमें सब्ट्रैक्शन करेंगे दो वेक्टर का तो फिर इस टाइम पे क्या होगा, वेक्टर का जो पोजीशन होगा वो चेंज होगा। सपोज टू वेक्टर का एडिशन है यहाँ तो उसके रिजल्टेंट ये आया, अगर दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है इसमें बहुत लॉजिक है। ठीक है, एक क्वेश्चन करूंगा उससे पहले मैं सब्ट्रैक्शन बता देता हूँ आपको। सब्ट्रैक्शन करना दो वेक्टर का तो ऑब्वियसली क्या होगा कि उसका रिजल्टेंट होगा ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी, दो वेक्टर का रिजल्टेंट ये होगा ए माइनस बी। अगर इसको मैं देखूंगा इस डायग्राम के अकॉर्डिंग तो वेक्टर ए हो गया आपका, मान लो वेक्टर बी, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर बी रिजल्टेंट ये बनेगा, और अगर सब्ट्रैक्शन करूंगा तो इसका जो साइन होगा वो अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव वो वेक्टर वी क्या है माइनस में ही, तो निगेटिव वो वेक्टर डायरेक्शन विल बी अपोजिट, तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर बी निगेटिव वो वेक्टर बी, तो एक्चुअल में देखो ये है कि थीटा जो होता है वो एंगल बिटवीन टू वेक्टर ये, लेकिन यहाँ निगेटिव ऑफ वेक्टर ए एंड बी, निगेटिव की बात हो रही है, माइनस ए एंड माइनस वी वेक्टर, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ना, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का बेहतर ये है कि उन दोनों वेक्टर को ऐड कर दे। ऐड कैसे करेंगे, तो ए को और माइनस बी को ऐड कर दे, एडिशन ऑफ टू वेक्टर ना सिंपल है ना, सब्ट्रैक्शन नहीं करना है हमें, बेसिक करना है क्या कि प्लस माइनस के साथ अलग कर दे। इट मीन्स कि वेक्टर ए और वेक्टर बी नहीं बल्कि माइनस बी, इन दोनों का रिजल्टेंट यही होगा आपका, लेकिन एंगल बिटवीन ए एंड माइनस बी विल बी चेंज। कैसे चेंज होगा, क्वेश्चन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा चेंज कैसे होगा। देखो जब ये प्लस था ना
वेक्टर ए एंड बी जब ये प्लस था, दोनों वेक्टर में प्लस में था, इट मीन्स कि ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी, तो उस टाइम पे एंगल है आपका थीटा, रिजल्टेंट दे रहा था ये लाइन, ठीक है। अब क्या है कि वेक्टर ये है ए एंड माइनस बी, तो ए तो ये हो गया, अब बी का माइनस ये नीचे पे आ गया, इसका मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल ये होना चाहिए, ऑब्वियसली यही होगा। वेक्टर ए एंड माइनस बी इसके बीच का एंगल ये नहीं होगा, ये होगा हाँ, लेकिन जो रिजल्टेंट होगा वो आपका रिजल्टेंट नीचे आ जाएगा आपका, इस केस में ए माइनस बी ये हो जाएगा क्या, ए माइनस बी, ठीक है। दो वेक्टर ए और बी जिसका रिजल्टेंट ऐसे था, उसके बीच का एंगल थीटा, अगर माइनस बी करेंगे इट मीन्स कि माइनस नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, निगेटिव वो वैक्टर उसका रिजल्टेंट ये बन जाएगा, थीटा ए हो गया माइनस बी हो गया, इसके बीच का एंगल ये होगा, रिजल्टेंट ये देगा ए माइनस बी, फॉर्मूला सेम आएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं समझ में आ जाएगा आपको, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, टू वैक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट, ठीक है, उसके बीच का एंगल है 60 डिग्री। सवाल है कि हमें निकालना मैग्नीट्यूड सम ऑफ वैक्टर्स एंड डिफरेंसेज ऑफ वैक्टर, मतलब दोनों के बीच का एडिशन का और सब्ट्रैक्शन का निकालना है। सबसे पहले हम डायग्राम को अच्छे से बना लेते हैं। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है, वैक्टर ए जिसका 5 यूनिट हो गया, सपोज ये वैक्टर ए, मान लो वैक्टर ए, ये है वैक्टर बी, पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये होगा रिजल्टेंट ए प्लस बी, बल्कि हमें ऐड नहीं करना, उसका रिजल्टेंट निकालना, उसके बीच का एंगल बनेगा, एंगल यहां दे रखा है दो वैक्टर के बीच का एंगल 60 डिग्री, ठीक है। वेक्टर ए है 5 यूनिट एंड वेक्टर बी आल्सो भी है 5 यूनिट, ठीक है, इसका रिजल्ट ए निकालना, रिजल्ट सपोज ए हो गया ए सी, रिजल्ट निकालना है, फॉर्मूला होता है अभी आपने पढ़ा है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, रूट ए, ए की वैल्यू है वो 5 का स्क्वायर, ये भी 5 है, 2 इंटू ए वो भी 5 है, ये भी 5, एंड cos 60 डिग्री, cos एंगल कितना 60 डिग्री, ठीक है, ये हो गया आपका 25, ये हो गया आपका 25, ये हो गया 50, cos 60 होता है रूट 1 बाई cos 60 1 बाई 2 होता है, हाँ ठीक है, चलो ये कैंसिल हो जाएगा 25 बार में, तो टोटल हो जाएगा हमारा 75, 25 25 और यहाँ 25 हो गया 75, टोटल हो गया 25 या 75, मतलब 5√3, उसका रिजल्टेंट जो होगा वो 5√3, मतलब 5√3 यूनिट हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है, ये यूनिट आंसर हो जाएगा। अब इसका सब्ट्रैक्शन, ये तो ए पोर्शन के अकॉर्डिंग था, अब हम बी के अकॉर्डिंग निकाले डिफरेंस, ठीक है, रिजल्टेंट आ गया इसका, रिजल्टेंट आया ए और बी 5 और 5 का 5√3, अब दोनों का डिफरेंस का निकालते हैं। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं, वैक्टर ए सपोज वैक्टर बी, रिजल्टेंट यहाँ होगा, लेकिन उनके बीच का डिफरेंस, तो ऑब्वियसली बी का डिफरेंस, मान लो कि ए और बी का डिफरेंस निकालना है, तो ए तो प्लस में होगा बी माइनस में, तो उसको नीचे वेक्टर का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, निगेटिव वेक्टर हो जाएगा माइनस बी, रिजल्टेंट आपका ये हो जाएगा, ये 60 डिग्री है, ये अगर 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली टोटल कितना होगा, ये एक लाइन पर 180 होता है, ये हो जाएगा आपका 120 डिग्री, रिजल्टेंट हो जाएगा आपका ये, तो ए और बी, ए और माइनस बी का रिजल्टेंट ए माइनस बी, वैक्टर ए माइनस बी हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, फॉर्मूला होगा ऑब्वियसली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ माइनस बी का स्क्वायर होगा 2ab माइनस, माइनस साइन लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि माइनस साइन अब क्या होगा कि डायरेक्शन बल्कि नहीं, हमें वो एंगल बता देगा, अपोजिट डायरेक्शन बता देगा, इसलिए माइनस 2ab cos थीटा। तो यहाँ जो वैल्यू रखेंगे ना ए स्क्वायर वी, वी की वैल्यू रखेंगे क्या, माइनस बी की वैल्यू रखेंगे, वो भी 5 का स्क्वायर, माइनस साइन ये नहीं कि अब डायरेक्शन बता रहा अपोजिट, ठीक है, 2 इंटू ए,
ए वो भी 5 होगा, बी वो भी 5 होगा, ये माइनस डायरेक्शन बता रहा है निगेटिव की ओर। और कॉस 60 डिग्री, तो कॉस 120 थीटा हो जाएगा इस टाइम पर 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ 5 देना है हमें, ये होगा 25, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 25, 50 माइनस में 1/2, माइनस में हो जाएगा कॉस 120 माइनस 1/2 होता है। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 25 प्लस ये प्लस आई हो जाएगा माइनस में 25, एक से कैंसिल हो गया आपका रूट अंडर 25, आपका हो जाएगा 5 यूनिट आंसर। प्लस में रिजल्टेंट 5√3 यूनिट आ गया और डिफरेंस में आ गया आपका 5 यूनिट, डेट विल बी आंसर। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर फिनिश करता हूँ, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्लास में करूँगा वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। थैंक यू सो मच।